हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं स्टडी आईज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो की तरफ से निकाली गई जॉब वैकेंसीज के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आई है, जिसमें की वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है। टोटल वैकेंसीज कितनी रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक वॉच करें, वीडियो इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए। डेली ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए करते हैं आज की इस अपडेट को स्टार्ट। ऑफिशियल नोटिस की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से निकाला गया ऑफिशियल नोटिस है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में ये वैकेंसी निकाली गई है। इनका एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, जो वैकेंसी यहाँ पे रहेंगी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पोस्ट यहाँ पे आपको दी गई है, पोस्ट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे जो वैकेंसी रहेगी वो यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट की रहेगी। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी रखी गई है वो एमएससी जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी में आपकी होनी चाहिए। विद बीएससी है आपकी जो है वो फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड जियोलॉजी में आपकी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे जो नेक्स्ट आपकी पोस्ट रहेगी, इसमें आप देख सकते हैं नंबर ऑफ पोजिशन आपकी 4 रहेंगी। एमई एमटेक आपकी रिमोट सेंसिंग में होनी चाहिए या बीई बीटेक आपकी, सॉरी यहाँ पे बीई बीटेक के साथ में आपकी यहाँ पे जो वो होनी चाहिए एमई एमटेक, जो आपकी रिमोट सेंसिंग में बताई गई है। नेक्स्ट आपकी 4 वैकेंसीज रहेंगी, एमई एमटेक रिमोट सेंसिंग एंड बीई बीटेक आपकी सिविल इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए। एक पोस्ट रहेगी इसमें एमई एमटेक आपकी होनी चाहिए रिमोट सेंसिंग में, विद आपका बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। उसके अलावा 5 वैकेंसीज आपकी रहेंगी, इसमें भी रिमोट सेंसिंग में एमटेक आपकी होनी चाहिए। उसके अलावा बीएससी एग्रीकल्चर आपने कर रखी है, उसके अलावा फॉरेस्ट्री हॉर्टिकल्चर में कर रखी है 4 ईयर्स की डिग्री, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी एक पोस्ट रहेगी एमएससी बॉटनी फॉरेस्ट्री इकोलॉजी, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस एंड इक्विवेलेंट आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। बाकी 2 वैकेंसीज रहेंगी इसमें एमई एमटेक सिविल इंजीनियरिंग में आपकी होनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट 1 की वैकेंसी रहेगी, इसमें भी आपकी जो वैकेंसी रहेंगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। 6 पोस्ट रहेंगी इसमें, एमई एमटेक आपकी होनी चाहिए जियो इन्फॉर्मेटिक्स में, उसके अलावा बीई बीटेक आपकी कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए। 4 वैकेंसीज प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी के लिए रहेंगी, इसमें बीई बीटेक आपकी मांगी गई है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में। एंड बाकी आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की रहेगी, इसमें एमएससी आपकी रिमोट सेंसिंग में होनी चाहिए, बीएससी आपकी किसी भी सब्जेक्ट में है अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 के लिए आपकी यहाँ पे 12 पोजिशन दी गई है, इसमें एमई एमटेक आपकी जो वो जियो इन्फॉर्मेटिक्स में होनी चाहिए। उसके अलावा आपका यहाँ पे जो वो 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जूनियर रिसर्च फेलो की बात करें तो यहाँ पे जेआरएफ के लिए एक पोस्ट रहेगी एमई एमटेक सिविल इंजीनियर के लिए। उसके अलावा एमई एमटेक आपकी जो रहेगी यहाँ पे वो आप देख सकते हैं रिमोट सेंसिंग में रहेगी एक पोस्ट। एंड 7 वैकेंसीज आपकी यहाँ पे एमएससी एटमॉस्फेरिक साइंस में रहेगी एंड इक्विवेलेंट आपकी यहाँ पे बीएससी अगर आपने कर रखी है फिजिक्स मैथमेटिक्स कंपल्सरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। 6 वैकेंसी रहेंगी इसमें, एमएससी आपकी ओशिनोग्राफी में आपकी होनी चाहिए, एक पोस्ट आपकी रहेगी इसमें एमई एमटेक आपकी एटमॉस्फेरिक साइंस में होनी चाहिए। नेक्स्ट आपकी 1 पोस्ट रहेगी एटमॉस्फेरिक साइंस में, एक पोजीशन आपकी और दी गई है। नेक्स्ट 1 वैकेंसी रहेगी एमएससी इसमें एग्रोमेटिक मेट्रोलॉजी में आपकी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे 3 वैकेंसी रहेंगी एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए। नेक्स्ट आपकी 3 वैकेंसी रहेंगी एमएससी आपकी क्लाइमेट साइंस के लिए। बाकी नेक्स्ट आपकी 1 पोस्ट रहेगी एमएससी फिजिक्स के लिए, एमएससी फिजिक्स में मेट्रोलॉजी में एक वैकेंसी रहेगी। एक पोजीशन आपकी रहेगी एमएससी एमटेक आपकी जो यहाँ पे रखी गई है वो एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो ये सभी वैकेंसी थी जो आपको मैंने बता दी हैं। इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी आपकी होनी चाहिए जो आपको रेलिवेंट डिसिप्लिन के साथ मैंने बताई है। बाकी पोस्ट कोड की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट कोड आपको दिए गए हैं वो सारा आप डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपके लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिलेटेड आपके पोस्ट रहेंगी वो सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी रहेगी वो यहाँ पे एनआरएससी आपका रहेगा, जो कि मल्टीपल लोकेशंस पे आपकी रहेगी, जिसमें कि साधनगर, उसके अलावा यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपका जेडी मेटला, उसके अलावा यहाँ पे बालानगर हैदराबाद में रहेगा रीजनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, नागपुर में रहेगी वैकेंसी, कोलकाता में रहेगी, जोधपुर बेंगलुरु में रहेगी, ये सारी आप देख सकते हैं। इसमें इन्वॉल्वमेंट्स एंड बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे 56-100 का आपको लेवल 10 का पे स्केल दिया जाएगा।
इसमें आपको बेसिक सैलरी आपकी सारी रहेगी, पे मैट्रिक्स आपका रहेगा, डीएलएस अलाउंसेस रहेंगे, एचआर रहेगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। जो आपकी परियोजना वैज्ञानिक के लिए रहेगी, जिसमें कि आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट वन के लिए, इसमें 56,000 का आपको रहेगा, प्लस आपका यहाँ पे एचआर रहेगा। नेक्स्ट आपका जो रहेगा वो यहाँ पे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की रहेगी, इसमें भी 56,000 की सैलरी रहेगी प्लस एचआर रहेगा। एंड उसके अलावा आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट वन के लिए 31,000 की सैलरी रहेगी। एसोसिएट वन के एसोसिएट टू आपका जो प्रोजेक्ट एसोसिएट टू की वैकेंसी, इसमें 35,000 की सैलरी रहेगी प्लस एचआर रहेगा। नेक्स्ट आपकी जो रहेगी यहाँ पे जूनियर सर्च फेलो की वैकेंसी रहेगी, इसमें 37,000 आपका रहेगा विद आपका यहाँ पे जॉब पॉसिबिलिटी, जो आपकी 42,000 तक जॉब इंक्रीज की जा सकती है। ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका एमिट एमटेक, जो आपकी 60% मार्क्स एटलीस्ट आपके होने चाहिए। एमएससी में आपके 65% मांगे गए हैं एंड बाकी बीई बीटेक में भी 65% होने चाहिए। बीएससी आपकी 60% के साथ में होनी चाहिए। बाकी यहाँ पे ड्यूअल डिग्री इंटीग्रेटेड डिग्री जो वो आपकी यहाँ पे अगर आपने कर रखी है तो वो भी यहाँ पे जो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी चीजें देख सकते हैं आप, जो सारी चीजें आपको दी गई हैं डिटेल वाइज आप चेक कर सकते हैं। ये एज लिमिट आपकी जो दी गई है 28 वर्ष से लेकर आप 33 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी यहाँ पे एज लिमिट आपको दी गई है वो यहाँ पे सारी पोस्ट वाइज आपको देखने को मिल जाएगी। 35 एज वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। रेलिवेंट डिसिप्लिन की जो रेलिवेंट पोस्ट आपको दी गई है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें तो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो आपका रहेगा यहाँ पे वो मिनिमम आपका रिक्वायरमेंट जो रहेगा वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो आपका इंटरव्यू रहेगा जो कि इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा। बाकी अदर पोस्ट आपकी जो रहेंगी, जो लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन आपको दी गई है एनआरआरसी में, इसमें रिटन टेस्ट आपका रहेगा हैदराबाद में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का। रिटन टेस्ट जो रहेगा वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिटन टेस्ट फाइनल सिलेक्शन आपका उसी के बेसिस पे किया जाएगा। एंड बाकी उसके अलावा जो आपका रहेगा वो इंटरव्यू भी इसमें लिया जाएगा। नेक्स्ट आपका स्क्रीनिंग रहेगा जो कि यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का रहेगा। इंटरव्यू रहेगा वो ईमेल थ्रू आपको जो वो मैसेज कर दिया जाएगा, जो भी सिलेक्टेड होते हैं कैंडिडेट उनको जो वो बाय ईमेल उनको बता दिया जाएगा। टेन्योर जो रहेगा पोजीशंस का वो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्योरली टेम्परेरी बेसिस पे रखी गई है, 1 ईयर का रहेगा, इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे वो सारे आपको यहाँ पे दिए गए हैं। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 18 मार्च से लेकर आप यहां पे जो वो 8 अप्रैल तक फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट इसमें 8 अप्रैल की दी गई है एंड यहां पे ऑनलाइन मोड से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन तिथि आपकी जो रहेगी वो आपको मैंने बता दी है। बाकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे अगर मैंशन की गई है तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो वो एप्लीकेशन फीस आपको नहीं दी गई है, विदाउट एप्लीकेशन फीस आप यहाँ पे जो वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्टार्टिंग एंड डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसीज। अगर आप यहाँ पे फ्रेशर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे काम करने का, जो कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसीज है, आप जल्दी से जाकर इंटरव्यू के लिए जॉब प्रेपरेशन कर सकते हैं रिटन टेस्ट के लिए और फॉर्म को अप्लाई कर लें। तो यहाँ पे जल्दी से जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐसी ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, डेली आपको ऐसी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी इस चैनल पर ऑफिशियल नोटिस के साथ में। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।